नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। बालाघाट जिले में त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव में 25 जून को हुए मतदान के बाद मतों की गणना की गई, जिसमें पंच, सरपंच, जनपद एवं जिला पंचायत सदस्यों को प्राप्त मतों का सारणीकरण किया गया। त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव के प्रथम चरण में बालाघाट जिले के 4 ब्लॉकों में चुनाव सम्पन्न हुए, जिसमें कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों को आशातीत सफलता प्राप्त हुई। हालांकि विजय प्रत्याशियों की आधिकारिक घोषणा बाद में की जाएगी। आपको बता दें कि प्रथम चरण में हुए मतदान में जिला पंचायत सदस्य की 10 सीटों में कांग्रेस के 5 और 3 निर्दलीय एवं भाजपा को सिर्फ 2 सीट मिली हैं। जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 10 से कांग्रेस के लोमहर्ष विसेन, 11 से निर्दलीय पुष्पा मनोज टेम्भरे, 12 से भाजपा की गीता हनवत, 16 से निर्दलीय प्रकाश उइके, 17 से भाजपा की सुनीता बहेटवार, 18 से निर्दलीय मधु शुक्ला, 22 से कांग्रेस के महेश मरकाम, 23 से कांग्रेस के मनशाराम मडावी, 26 से कांग्रेस के तामेश्वर सालिक राम पटले और क्षेत्र क्रमांक 27 से दल सिंह पंद्रे डीडीसी के लिए विजय हुए। हालांकि कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रथम चरण के चुनाव परिणाम का असर दूसरे एवं तीसरे चरण में भी देखने को मिल सकता है। इस चुनाव परिणाम में जनपद सदस्यों के आए नतीजों के अनुसार जनपद पंचायत परसवाड़ा एवं बेहर में कांग्रेस की सरकार, दोबारा सिवनी में भाजपा की सरकार बनने की उम्मीद जताई जा रही है। कल चुनाव परिणाम अपने पक्ष में आते ही विजय डीडीसी, बीडीसी और सरपंच पद पर जीत हासिल करने वाले प्रतिनिधियों ने विजय जुलूस निकालकर मतदाताओं का आभार व्यक्त किया। आप ग्राम पंचायत बुदबुदा के नवनिर्वाचित सरपंच है, क्या कहेंगे आप अपनी जीत को लेकर? जीत जो प्रजातंत्र की जो महाकुंभ जो 5 साल में आया, उसमें जो जनता ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, उसी का परिणाम स्वरूप है। मुझे आज उन्होंने अपना आशीर्वाद और स्नेह दिया, ये जनता की जीत है। भैया, आप जिला पंचायत का चुनाव जो है आज जीते हैं और बड़े जोश में और उत्साह में नजर आ रहे हैं, आपके समर्थक भी, आपके कार्यकर्ता भी, इस ऐतिहासिक जीत के बारे में क्या कहेंगे आप? ये जीत मेरी नहीं, सबसे पहले तो मेरी जो नींव है वो मेरा गांव है और मेरे गांव से एक भरपूर जन समर्थन मिला। उसके बाद पड़ोस के गांव और पूरे क्षेत्र से एक बहुत जबरदस्त जन समर्थन मिला और एक धनबल के खिलाफ जो इस क्षेत्र के में उपयोग हुआ, उसके खिलाफ हमारी ये संघर्ष की जीत है। अभी आप जीत गए हैं, इसके बाद आपकी क्या प्राथमिकता होगी? क्षेत्र का विकास ही मेरी प्राथमिकता है। यहाँ देखा जा रहा था कि आपके जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक में जो है त्रिकोणीय मुकाबला बना हुआ था, एक तरफ बीजेपी के कैंडिडेट थे, एक तरफ गुड्डा समर्थक थे, तो कितनी मुश्किलें आई, क्या दिक्कतें हुई? मुश्किलें ये आई कि मुकाबला तो डायरेक्ट बीजेपी से था, लेकिन जो गुड्डा जायसवाल समर्थक उम्मीदवार थे, उनने जो भी वोट लिए तो उससे हमको बहुत नुकसान पहुंचा। लेकिन अब कार्यकर्ता समझ चुका है कि वो काफी पिछड़ गए, 2,500 वोट में उनका फैसला हो गया, तो अब कार्यकर्ता और जनता समझ चुकी है कि किसके साथ चलना है। आप अपने क्षेत्र की जनता के लिए कुछ कहना चाहेंगे मतदाताओं से? क्षेत्र की जनता का बहुत बहुत आभार, जो दिल से जनता ने समर्थन किया। कई पंचायतें ऐसी थी जो हम कई सालों से जिला पंचायत में नहीं जीतते थे, वो पंचायतें भी हम जीते, और इसके लिए हमारी पूरी टीम की मेहनत, हमारे भाई लोगों की और कार्यकर्ताओं की मेहनत, और हमारे क्या कहते हैं जो कमान संभालने वाले ब्रजेश पटले जी की मेहनत रंग लाई। भैया, ग्राम पंचायत दीनी के त्रिकोणी चुनाव, सरपंच के जो त्रिकोणी जहाँ पे चुनाव हुआ है, उसमें आप लगभग 62 मतों से विजय हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैंने आपको पहले भी कहा था कि दीनी की जनता का विश्वास वैसे टूटा नहीं है, उनका दिल कभी मैंने दुखाया नहीं, उसी का परिणाम है जो आज पुनः रिटर्न में वो विश्वास मत प्राप्त हुआ है। और मुझे कुल मतदान में से 538 मत मुझे प्राप्त हुआ है, और जो अभी वर्तमान में जो सरपंच है उनको 476 मत प्राप्त हुआ है, और ईश्वरी दामन का जो एक नया उम्मीदवार था कहना चाहिए, उसको 445 वोट का मतदान पड़ा है। इससे सिद्ध होता है कि वर्तमान सरपंच की कार्यप्रणाली बहुत अच्छी नहीं थी, जिसे जनता ने नकार दिया है, और जनता ने मुझ पर पुनः विश्वास करते हुए इस गाँव के बागों मेरे हाथ में सौंपने का प्रयास किया है। मैं उसे बखूबी से निभाने का प्रयास करूँगा और उनकी उम्मीदों में और बेहतर खरा उतरने की कोशिश करूँगा।